हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल इट्स मिटॉर थ्री वन थ्री कैसे हैं आप सब लोग आज हम देखने वाले हैं हु इज मिसिंग यू एंड वाई कौन है जो आपको याद कर रहा है और क्यों कर रहा है सो गाइस इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग टेक वॉट रेजन इट टन लिव द रेस्ट इफ यू गाइस आर न्यू हयर डोंट फॉर टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ई या इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी सो लेट स्टार्ट द रीडिंग जनरल एनर्जी है सो डोंट टेक एनी पर्सनल इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट देखते हैं कौन आपको याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है सबसे पहले मैं ओरैक्ल्स यूज करूंगी एंड देन आई विल यूज हु इज मिसिंग वी हैव नाइट लाइफ गैम्बल टेस्क आर रिस्क एंड विकास ओके हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को किसी पार्टी में या किसी क्लब वगैरह में मिले हो देन वी हैव इनसेटिएबल अनकबल वॉन्टिंग मोर ओ It's ice. Then we have Divine Feminine. We have Anxiety, Scared and Panic. Who is missing you and why? Then we have Projected, Future, Days, Weeks and Months. Poison. विश हो प्रेंग एंड यर्निंग ओके सर्चिंग ऑनलाइन लुकिंग फॉर इन्फो एंड रिकॉर्ड्स सो दिस इज द पर्सन जिसके साथ अभी आपका कॉन्टेक्ट नहीं है एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिसका इस पर्सन के साथ काफी अनहेल्थी टॉक्सिक कनेक्शन रहा है चाहे वो ये पर्सन की तरफ से टॉक्सिसिटी थी यस आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ बैड बिहेवियर रहा है आपसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहा ये इंसान जब आप इनकी लाइफ में थे इनको सब कुछ दे रहे थे ये इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा की लालच थी दिस पर्सन कुड बी आर ग्रीडी टू ग्रीडी में पैसे के लिए नहीं बोल रही गाइस ग्रीडी इन सेंस के एक इंसान के पास है एक सपोर्टिव केयरिंग पर्सन पार्टनर लेकिन उसको दूसरे लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं या वो उससे सेटिस्फाइड ही नहीं है वांटिंग मोर उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए वो होता है ना कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते फिर जब वो भी नहीं रहता तो फिर उन्हें पता लगता है कि क्या उसकी वैल्यू थी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है इस पर्सन के साथ ये इंसान आपको याद कर रहे हैं आप लोगों को खो देने के बाद आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं आप लोगों को सर्च कर रहे हैं आपसे आपसे बात करने के लिए आपसे मिलने के लिए क्योंकि ये इंसान जो भी है ना इस टाइम काफ़ी पैनिक हो रहे हैं आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं लेकिन ऑल्सो ये इंसान काफ़ी इन्जाइटी में है हो सकता है इस पर्सन को पैनिक अटैक्स हो रहे हैं इन्जाइटी के अटैक्स हो रहे हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहा है आप लोगों से दोबारा से कॉन्टैक्ट करने के लिए क्योंकि ये इंसान आपको याद कर रहा है इस क़दर याद कर रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आप कह लो कि मैंटली एंड इमोशनली डिस्टर्ब में चल रहा है इनको समझ नहीं आ रही ये करें तो क्या करें और ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि जैसे कि इंसान इस टाइम इनको लग रहा है कि इनसे क्या हो गया ये क्या कर बैठा है ये पर्सन चाहे ये मेल है या फीमेल है क्योंकि इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो आप ही ऐसे इंसान हो जो इनको प्यार दे सकते हो इनको लव दे सकते हो उनको केयर दे सकते हो और इसी चीज़ के लिए ये इंसान इस टाइम विश कर रहा है जो पास्ट में सेटिसफाई नहीं हो पा रहे थे आपसे चाहे ये मेल है या फीमेल हैं पास्ट में ये इंसान जो आप लोगों से सेटिसफाई नहीं हो पा रहे थे इस इंसान ने हो सकता है आप लोगों को डेफ़िनेटली धोखा दिया है आपको छोड़ के हो सकता है इस इंसान ने किसी और को चूज़ कर लिया हो क्योंकि आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे बट अभी ऐसे लग रहा है आप लोगों के साथ भी इंसान टॉक्सिक एंड अल्थ कनेक्शन में थे और जिनको इन्होंने चूज़ किया ठीक है आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे किसी और को चूज़ कर लिया आपको धोखा दे उससे भी ये इंसान सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो वहाँ पर भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं क्योंकि ये जो इंसान टॉक्सिक होते हैं वो चाहे अच्छे इंसान के साथ भी स्पिरिचुअल इंसान के साथ भी वो चले जाएंगे कनेक्शन में तो उनको रिश्ता नहीं बन पाएगा क्योंकि वो इंसान टॉक्सिक है अपने आप को चेंज ही नहीं कर रहा अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहा चाहे वो मेल है या फीमेल है तो वो टॉक्सिसिटी रहेगी और कनेक्शन एट द एंड ब्रेकअप ही होगा क्योंकि अच्छाई बुराई के साथ नहीं रह सकती बुराई अच्छाई के साथ नहीं रह सकती या तो बुरे बुरे दो लोग इकट्ठे रह सकते हैं या अच्छे अच्छे लोग इकट्ठे रह सकते हैं अच्छा बुराई इकट्ठा नहीं रह सकता ठीक है आई होप यू गैट माई पॉइंट सो ये इंसान आपको याद कर रहा है आपको छोड़ देने के बाद आपसे सेटिसफाई ना होने के बाद क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए था और जब आप चले गए हो तो आप इसको याद आ रहा है ओह आपसे तो सब कुछ ही मिल रहा था ठीक है सो आई थिंक कि इंसान जो आपको याद कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने से राइट ना हो तो ये इंसान डर रहे हैं लेकिन आने वाले कुछ दिनों में कुछ लोगों की तरफ ही इंसान का कॉन्टेक्ट हो सकता है कुछ लोगों के मंथ लग सकते हैं कुछ लोगों के वीक्स लग सकते हैं और कुछ लोगों के लिए विद इन अ फ्यू डेज़ भी ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको याद कर रहे हैं आपको सर्च कर रहे हैं आप लोगों के पास हो सकता है इस इंसान की कहीं ना कहीं आप चैट में हो या फिर कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे की कहीं लाइक like, एडअप हो किसी भी प्रोफाइल वगैरह में चाहे वो इंस्टाग्राम का आई डी है चाहे वो फेसबुक का है या व्हाट्सएप का है कुछ लोग हो सकते हैं अनब्लॉक अभी भी नहीं हो या आप लोगों ने एक दूसरे को अनब्लॉक नहीं किया या इस इंसान ने कर दिया था आपने नहीं किया ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है बट ये इंसान आपको सर्च करते हैं अभी भी क्योंकि आप में इंटरेस्टेड हैं लेकिन आपसे कांटेक्ट करने से डर है याद कर रहा है आपको प्रे भी कर रहा है क्योंकि इंसान तरप रहा है आप लोगों की अटेंशन के लिए आप लोगों के लव के लिए उस सब चीज़ों के लिए जो आप पास्ट में इस इंसान को दे रहे थे और विश कर रहा है ये इंसान के काश दोबारा आप लोग इस इंसान की लाइफ में आ जाओ ठीक है पॉइजन इस इंसान ने किया था सब कुछ और आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो वट एवर मेल और फीमेल एनर्जीज़ की बात हो रही है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी जेंडर ठीक है अगर आप मेल भी हो तो डेफिनेटली आप इस फीमेल को लव दे रहे थे केयर दे रहे थे बट उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी और आप वो तरप रही है फीमेल भी ठीक है जो भी जेंडर है लाइक आपका जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो तरप रहे हैं आपको याद करते करते क्योंकि वो दोबारा आपको चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं समझ आ रही वो किस तरह से बात करें क्योंकि उन्होंने गांधी इतना फैला दी है रायता इतना फैला दी है कि वो किस तरह से उसको समेटें उसको कवर अप कैसे करेंगे वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान को डेफिनेटली पैनिक कर रही हैं यस सो नाउ लेट सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई ओके वी हैव द एम्पर ये इंसान जो आपको याद कर रहा है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है बहुत अथॉरटेटिव है अपनी मनवाने वाला पर्सन है हो सकता है इन्होंने रिश्तों में हमेशा आप लोगों को बाउंड करने की कोशिश की बाउंड किया भी हो आप लोगों से अपनी बात मनवाई जो इन्होंने कहा आपने वो किया क्योंकि इस इंसान की नेचर ऐसी है लेकिन फिर भी ये इंसान ऐसा लग रहा है सेटिस्फाई नहीं हो पाए और अभी ये इंसान आपको याद कर रहा है यानी इस इंसान ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ है जबकि इनका बस नहीं चल रहा हो सकता है इस इंसान के पास किसी तरह की कोई पावर है या फिर ये इंसान वैसे ही पावरफुल है बट मुझे लग रहा है कि इंसान किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब से है या फिर कोई इनका स्टेटस जो है वो हाई है डेजिंगनेशन कोई हाई हो सकता है इस इंसान का दिस पर्सन कुड बी अ फादर फिगर ऑल्सो कुछ लोगों का हो सकता है आपका हस्बैंड हो सकता है ये इंसान या वाइफ हो सकती है बट स्पेशली मुझे मेल की एनर्जी दिख रही है ये इंसान अगर फीमेल भी है ना तो इनकी नेचर बहुत ज़्यादा डोमिनेट है लाइक इट्स अ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी और आपकी फेमिनिन रही है इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गुस्सा बहुत करने की आप पे ठीक है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई बट राइट नाउ इस इंसान ने अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है इनको गुस्सा अभी भी कहीं कही ना कहीं है कि आपकी तरफ से इनको अटेंशन क्यों नहीं मिल रही आपने कभी मुड़ के इनको देखा क्यों नहीं आपने कभी कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया आपकी अटेंशन के लिए बेसिकली ये इंसान तरप रहा है जिनको आप अटेंशन दे रहे थे वट एवर द जेंडर मैं अगेन बोल रही हूँ जेंडर कुछ भी हो सकता है इनका बट ये इंसान ऑलरेडी हो सकता है किसी के साथ मैरिड हो फादर फिगर भी हो सकता है कोई मदर फिगर भी हो सकती है बट दिस पर्सन कुड बी एरिस इस पर्सन का स्टार साइन एरिस दिख रहा है नंबर फोर इंपॉर्टेंट हो सकता है यस एंड देन वी हैव इट्स अ थ्री ऑफ स्वर्ड एनर्जी यस इस इंसान ने डेफिनेटली आपको हर्ट किया और अब बदले में ये इंसान खुद भी काफी हर्ट हो रहे हैं जो पेन इन्होंने आपको दी थी जो ब्रेकअप आपको दिया था जो चीटिंग आपको दी थी बदले में इनको खुद भी वही मिली है ठीक है इस इंसान को महसूस हो रहा है इस टाइम कि इसने गलत किया है अब चीज़ों को ठीक किस तरह से करना है वो समझ नहीं आ रही या yeah. ये इंसान वो है जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया था किसी और को चूज़ कर दिया था हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ब्लॉक भी इस इंसान ने कर दिया हो बट राइट नाउ ये इंसान को पछतावा हो रहा है ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं देन वी हैव इट्स टेन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेल्थी हो सकता है लैंडलॉर्ड हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा लाइक इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल है दिस पर्सन कुड बी आर्टिस्ट टू लाइक इंसान या तो कोई आर्ट से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं ये एनर्जी भी दिख रही है कंस्ट्रक्शन का भी हो सकता है कोई वर्क करते हैं हम्म ये एनर्जी आ रही है मुझे रियल स्टेट का बिज़नेस हो सकता है ये इंसान करता है दिस पर्सन कुड बी अ बिजनस मैन और हो सकता है काफ़ी लाइक सक्सेसफुल बिजनेस मैन हो सकता है ये पर्सन नंबर टेन एंड वन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट नंबर थर्टीन थर्टी फोर फोर्टी थ्री फोर्टी वन थर्टी वन ये आपके नंबर्स इंपॉर्टेंट है जिस तरह से भी आपके साथ रिलेट हो आपने उस तरह से लेने हैं जैमिनालिब्राइक्वेरियस है, स्टोरसो कैप्रिकॉन् स्टार साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग दिख रही है वी हैव इट्स डेफिनेटली गाइज आपको याद कर रहे हैं क्योंकि ये इंसान आपके साथ दोबारा से रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं विद द एम्पर एंड विद द लवर दिलीव गिव यू आ स्टेबल कमिटमेंट क्योंकि इनको लग रहा है आपके अलावा ये इंसान किसी के साथ भी प्रोटेक्टेड और सेफ कनेक्शन नहीं बना सकते दिस पर्सन रली वना किससे हो यस क्योंकि इनको लगता है ये इंसान के लवर आप हो जैसा आप इनको लव दे सकते हो और जिस तरह का इस टाइम ये इंसान फील कर रहे हैं आपको लव दे सकते हैं उनको लगता है कि कोई भी ऐसे एक दूसरे को नहीं जा सकता ना इसको कोई को ऐसे जा सकता है जैसे आपने चाहा है और ना ये इंसान किसी को चाह सकता है जैसा ये इस टाइम आपके लिए फील कर रहे हैं सो दे रियली वांट यूनियन आपको याद कर रहे हैं क्योंकि इंसान आपसे यूनियन करना चाहते हैं आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं डेफिनेटली इनको आपके साइड पे एक बहुत ज़्यादा डीपली इफेक्शन एंड अट्रैक्शन शो हो रही है यस, yes, अगर इनके पास कुछ ऑप्शन है भी हैं तो स्टिल दे रिये मन चूज़ यू एंड विद द लवर्स एंड विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं इन्होंने आपको हर्ट किया है हो सकता है थर्ड पार्टी में भी डाला हो बट राइट नाउ इस इंसान को वहाँ से रिजेक्शन मिली है यहाँ हो सकता है वहाँ पे भी ब्रेकअप हुआ है जैसा किया वैसा बढ़ना यू नो टिट फोटैट तो वो सिचुएशन हो रही है इसीलिए इंसान आपसे यूनियन करना चाहते हैं और आपके साथ एक लविंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं जिसके लिए इंसान विश कर रहे हैं प्रे कर रहे हैं एक होने के लिए बिकॉज विद द हमारे पास विक्ट्री की एनर्जी है इट्स आर सिक्स ऑफ वॉन्स एनर्जी सो ये आपके साथ इस कनेक्शन में प्रपोजल चाहते हैं और जीत चाहते हैं वो चाहते हैं कि आपके साथ इनका लविंग कनेक्शन सक्सेसफुल बने यस yes, ये सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में इसीलिए आपको याद कर रहे हैं कि ये इंसान अब रेडी है आपके लोगों के साथ एक सक्सेसफुल एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए और जीत चाहते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान की जो एनर्जी है वो काफ़ी मैस्कुलन है और जीतना इस इंसान को पसंद है हारना बिल्कुल पसंद नहीं है तो ये दोबारा आपको अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए डेफिनेटली जीतना चाहते हैं नंबर सिक्स इंपॉर्टेंट हो सकता है डबल सिक्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स कि आप इस पर्सन के एक सोलमेट हो जैमिना स्टार साइन हो सकता है एरिस लियो सेटेरियस की एनर्जी है एरिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग जैमिना लिब्राइक्वेरियस भी स्ट्रॉग है इस पर्सन की एज थर्टी फोर थर्टी सिक्स थर्टी वन ये हो सकती है डबल सिक्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गैस सो दिस इज योर रीडिंग आइज आई होप दिस विल रेजनिट्स विद यू मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा आई विल सी यू टुमोरो बाय